ये ऑलरेडी सब कवर हो रहा है, केवल बस यहाँ रीजनिंग की जगह वो कौन सी जगह ले लेगी, केमिस्ट्री और जनरल साइंस। बाकी ये जो चार पोर्शन है, और आप जान रहे हो जो एनडीए का मैथ पढ़ रहा है वो तो ये 25 के 25 ही वोट देगा, या जो बात के लिए है, क्योंकि तुम जानते हो उसके लेवल में और उसके लेवल में बहुत बड़ा फर्क है। फिजिक्स है, जैसे वही कहानी फिजिक्स की है, फिजिक्स में आपके इधर 25 हो गए और इधर आपके हो गए कितने 23 क्वेश्चन, वो की वही लेवल है। फिजिक्स का लेवल सेम है, फिजिक्स का लेवल हार्ड नहीं है, केवल एनडीए और एयरपोर्ट में जो लेवल का अंतर है वो केवल किसमें है, मैथ में। बाकी आप क्वेश्चन देखोगे सेम लेवल के हैं, बाकी इंग्लिश का लेवल हो चाहे आपका फिजिक्स का लेवल हो बिल्कुल सेम है। केमिस्ट्री बस के जीके की जगह केमिस्ट्री हटा दो बस, और अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही अगर मैथ और इस पर कमांड है तो हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई एनडीए कर रहा है तो उसको फिर ये बोथ ही करने की जरूरत नहीं है, बोथ अपने आप ही कवर होगी। पेपर सेट जरूर ले लेना, क्या ले लेंगे, पेपर सेट। पेपर सेट वैसे अपन भी अपने प्रिंट करवा रहे हैं आप, लेकिन मार्केट से भी ले लेना, बता दूंगा मैं कौन कौन से राइटर के लेने हैं। वैसे 50-50 का इस बार अपन भी तैयार करवा रहे, वो भी आपको मिल जाएगा। इस तैयारी में मैं आपको बता दूं जो अहम कड़ी है वो है पेपर सेट का सॉल्यूशन। अब मैं बच्चों से कहता हूं, लेकिन आधे सुनते हैं आधे इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हैं, है ना, फिर तुम जानते हो वैसा ही उनका रिजल्ट रहता है। नहीं टीचर की बात एज इट इज मानोगे तो आपका ही फायदा है, दो लोगों की बात पे हमेशा कभी डाउट मत करना लाइफ में, तो पेरेंट्स और ये टीचर, ये जो भी कहेंगे वो आपके फायदे की ही बात कहेंगे, इनका अपना कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो बात को। yes, कोई भी टीचर तुम जानते हो ये नहीं चाहता कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा फेल हो जाए, सारा टीचर यही चाहते हैं भाई अगर वो पढ़ा रहा है तो सामने वाला सिलेक्ट होना चाहिए, और जब सिलेक्ट होता है तो उसको बढ़िया भी लगता है। आप देखते हो कोई बच्चा सिलेक्ट होता है मैं उसका स्टेटस सबसे पहले लगाता हूँ व्हाट्सएप पे, जो बच्चे देखते हैं वो जानते हो खूब पता है उनको, तो एक बात तो मुझे उसके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से क्या फायदा है, अपने को भी खुशी होती है कि आज ये बच्चा अपन ने पढ़ाया था और आज सिलेक्ट हो गया, है कि नहीं। अभी एक बच्चा था अपना संतराम बेसला, कई बच्चे जानते भी है, तो उसने पिछले 3 साल में 12 एग्जाम निकाली है, कितनी एग्जाम, 12 एनडीए एसएससी एयरफोर्स नेवी सीजीएल सारे, और वो एक्साइज इंस्पेक्टर में अब उसने फाइनल ज्वाइनिंग ले ली। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं। अब आप देख रहे हो एनडीए का सिलेबस कहाँ और सीजीएल का सिलेबस कहाँ, दोनों बिल्कुल अपोजिट ही है, कोई लेना ही देना नहीं है आपस में सिलेबस का। लेकिन मैंने क्या कहा, जो पढ़ना स्टार्ट कर देता है उसके लिए सिलेबस एक नाम मात्र की चीज रह जाती है। जैसे आप देखते हो आईआईटीएंस होते हैं, कभी आप आईएएस की टॉपर की लिस्ट निकाल के देखना, आईएएस की टॉपर की लिस्ट में टॉप 10 जो होते हैं वो आईआईटी के होते हैं। आईआईटीएन कौन होता है, मैथ वाला बंदा होता है, जिसने 11th 12th में मैथ पढ़ ली समझ लो उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया, फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मैथ को आप यूं ही ना समझो, अगर आप 11th 12th मैथ से पास आउट होके आए हो, अब इसमें बायो और आर्ट वाले थोड़ा अपने आप को अंडर एस्टिमेट महसूस मत करना, वो तो सबकी कैपेसिटी होती है, लेकिन फिर भी एक मैथ का प्लस पॉइंट होता है। अगर आपने ईमानदारी से मैथ 11th 12th में पढ़ी है तो इतना माइंड डेवलप कर देती है कि आप किसी भी कंपटीशन में घुस सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया कहाँ एनडीए का सिलेबस कहाँ सीजीएल का सिलेबस, दोनों में कोई तारतम्य नहीं है, कोई समानता ही नहीं है, लेकिन एक बच्चा वहाँ भी सिलेक्ट हो रहा है वहाँ भी सिलेक्ट हो रहा है। पिछली बार एक बच्चा था अपने जो सुरजाराम जी को जानते हो तुम, चाहे गली स्कूल जानता होगा, अपने सुरजाराम जी यादव एक स्कूल में लेक्चरर थे वो पॉलिटिकल साइंस के, जो गवर्नमेंट के बच्चे को जानते, उनका लड़का क्या है कि 2 साल पहले पास आउट हुआ पीसीएम से और बायो उसके पास एडिशनल थी, तो उसकी ऑल इंडिया रैंक 13 तो आईआईटी में थी और ऑल इंडिया रैंक 136 उसकी टीएमटी में थी बायो से सर। मतलब जो लड़का देख लो एक एक के तो आईआईटी में ही होता और एक स्टूडेंट का पीएमटी में भी हो रहा है और सेम ईयर अच्छी रैंक से आईआईटी में भी हो रहा है, बाद में उसने आईआईटी गुवाहाटी ज्वाइन कर लिया। तो मैंने क्या कहा कि सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड है, पढ़ने के ऊपर, पढ़ोगे तो सब कुछ हो सकता है, एक साथ एक तैयारी तो छोड़ो तुम 4 भी कर लोगे वो भी दिक्कत नहीं आएगी, है कि नहीं है। तो आराम से अपने ऊपर विश्वास रखें, और मैं ये सब बातें इसी व्याप पे कह रहा हूँ, मैं खुद आपको पता 4-4 कंपटीशन टॉप रैंक से निकाल चुका हूँ, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो और मजबूती से काम करो, शानदार रिजल्ट आएगा, और कोई दिक्कत आएगी तो सारी टीम आपके साथ में है कि नहीं।